क्या हो जाए? हवा ठंड है दोस्तों। अभी मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जिस जगह पे शायद अभी तक कोई नहीं आया होगा। ऐसी जगह मैंने आज दिन तक दुनिया में नहीं देखी, कसम से। इस तरफ रोड है, इस तरफ रोड से हम लोग आए हैं। यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है और हर किसी के लिए आना असंभव है। कम यहाँ पे एक गांव है, जो गांव इस गेट के अंदर है, स्पेशली इस गांव के इस गेट के अंदर है। यहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें हैं और यहाँ से हम जैसे एंटर करते हैं अपने पास वह कैसे किले होते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक ब्रिज बने ऊपर की साइड, देखिए टॉप साइड, यू नो। सो हम चलें इस गांव के अंदर। मैं ऑलरेडी देख के आया हूँ, आपके लिए बहुत नया और स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, गाय है, लोग हैं, और यहाँ पे हजारा जाति के लोग रहते हैं, मुस्लिम हैं हजारा जाति के, और इस गांव के बाहर ही सब खेत हैं। तो हम चलते हैं, लेट्स गो। आपको मैं दिखाता हूँ, ये इनका एंट्री गेट है। अभी तो ये खुला है, पहले में भी हो सकता है। पहले शायद इधर गेट बंद भी होता होगा, ये जो उसके खड्डे दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये गेट ओपन है। तो जैसे ही इस गेट के अंदर आते हैं आपको दिखेंगे कुछ गायें, ये चारा है, और वो महिलाएं देखो वहाँ पे जो है काऊ गाय मेल रही हैं, गायों का दूध निकाल रही हैं। और ये है ब्रिज बने हुए, देखो यहाँ से पहले वो लोग फायरिंग की पोजीशन लेते होंगे। इसके अंदर भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। अभी रात हो गई है तो थोड़ा अंधेरा हो रहा है, चलते हैं जल्दी से आपको इस गांव को दिखाते हैं, लेट्स गो। ये इस तरफ भी इनके घर बने हुए हैं, गाय हैं, छोटी छोटी गाय, ये देखो यहाँ पे भी कुछ गायें खड़ी हैं और ये गाय का दूध निकाल रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ से ऑलरेडी परमिशन ले लिया है और अब कोई दिक्कत नहीं, हम वीडियो बना सकते हैं ना, ये देखो। और इस गांव में हम गाड़ी से आए थे और ये हेडपंप है जहाँ से पानी निकाल रहे हैं, इनके पानी निकाल रहे हैं, सिस्टम है। ठंडी इतनी ज़्यादा है ना, मैं यहाँ पे कांप रहा हूँ भाई। अभी शाम के 6 बजे हैं लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है। ये गर्म पानी है, मैं देखता हूँ, गर्म तो नहीं ठंडा है। गाय है देखो भाई, इस तरह से छोटी छोटी गाय हैं, और ये इनको भी लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं नए नए। और इन इस काऊ पुट इन दिस एट नाइट, नहीं नहीं वो मेरे घर पे भी ये है, ये देखो इसके गाय का चारा है इसके अंदर, और गाय भी बांध देते हैं कभी कभी इसके अंदर। टू यू टेल हिम। और इनका गधा भी है देखो भाई, गधा कुछ सामान वामान लाने के लिए इधर खड़ा। ये देखो इसमें भी चारा वारा ये सब रखते हैं इस तरह से, और ये कपड़े वपड़े सुखा रखे हैं, ये इनके लिए घास वास पड़ी है, और इस ये सब कच्चे हैं। इधर लकड़ी है ना, लकड़ियाँ डाल के इधर छत बनाई हुई है। और बहुत सारी गाय है, ये भेड़ है, ये घबरा रही है हमसे देख के। और ये इनके घर है, 2 मंजिला घर है ना, 2 मंजिला। इनके कांच है लेकिन अभी टूटे फूटे हैं, पर ठीक है। और ऊपर वो चिमनी दिख रही है, वहाँ से इनको धुआं बाहर निकलता है। और ये भी कच्चे घर है, इसकी छत बीच वाली है वो भी लकड़ा डाल के बनाई होगी, सब लकड़ी। और इनके पास जैसे टेम्पो भी है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जी। और ये इस विलेज हेड यू नो सरपंच और तकरीबन जिंदगी में तकरीबन
70 घर है, 70 घरों की फैमिली है और 500 तक यहाँ पे आदमी है। यहाँ पे लाइट नहीं है अभी भी, ये सोलर ऊर्जा पे इनका गाड़ी चलता है। सो वो भी सौर ऊर्जा पे चलता है, बैटरी से जो माइक है वो भी। ओके, और यहाँ पे एक प्रधान भी है, जो भी यहाँ होंगे कहीं मिल नहीं रहे, ठीक है, लेकिन घर इनके देख लीजिए। चलते थोड़ा यूँ होके फिर ख़त्म करते हैं। ये इधर कपड़े सुखा देते हैं, वही हमारे गांव वाला ही कल्चर है, सेम कल्चर है, लेकिन इनका जो तरीका है रहने का, इनका घर जो है कच्चे बने हुए, छोटी छोटी गायें भी। अगर सीधा होते घर बनाते, घर बनाते घर के अंदर इसको काटेंगे, काटेंगे कुछ काम लेंगे काम, और ये इसको फायर के लिए। और वहाँ पे देखो सीढ़ी बनी है, बहुत बढ़िया घर बना रखा है इन लोगों ने, घर बहुत शानदार बना रखे हैं। हाँ। और ठंडी में ये अपने घर में लकड़ी जला के काम चलाते हैं। हाँ। also, so, अभी है रात बहुत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकता, अगर मैं दिन को आता ना तो और ज़्यादा मज़ा आती, लेकिन पता नहीं था ना ऐसा गाँव इतना खूबसूरत इधर ही है, गजनी से थोड़ा ही दूर है ये गाँव। उनके पास ट्रैक्टर भी है, देखो ट्रैक्टर ट्रॉली भी है। इनके बच्चे पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं सब लोग पढ़ते हैं। मैंने बोला था ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, हाँ हाँ, राइट, वही लोग है ना, अपने देश के साथ बहुत प्यार करते हैं। राइट, यस, इनसाइड काउ। ये इनकी गलियां हैं, हम रात को घूम रहे हैं, यह कोई दरवाजा नहीं है, दरवाजा नहीं है ना, सबका गांव एक मोहल्ला कह सकते हैं। तो भाई अभी हम लोग मनी एक्सचेंज करने आए थे, यहाँ पे पूरा मनी एक्सचेंज की शॉप है, यहाँ पे पैसा भी भेज सकते हैं, आंगड़िया यानी कि सरफ भी बोलते हैं, दोनों काम इधर हो सकते हैं, सब दुकानें वही है। सो हियर इज लाइक सराफी, यू सेंड मनी अदर सिटी, अदर प्रोविंस, या चार्ज अबाउट मेबी सेंड 10,000, हाउ मच यू वी चार्ज? 50, only 50 afghani. 50? Yeah, it's so super easy and so cheapest way because it's like private things. दोस्तों मैं फ़िलहाल गजनी के एक ऐसी कब्रगाह पे आया हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा टैंक, और वो भी रशियन और अमेरिकन दोनों यहाँ पे रखे गए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये है एक गेट, जब यहाँ पे क्या हुआ था, मैं भाई साहब मेरे साथ है जो बताएंगे। ये गेट 2013 में गजनी इस्लामिक कंट्रीज़ का कैपिटल बनाया। अच्छा, उसलिए 40 गेट बनाया, 40 गेट गजनी के आसपास। हाँ, 40 गेट पहले गवर्नर ने बनाया। और ये है सामने जो क्या है, ये टैंक है अमेरिकन और आल्सो रशियन के टैंक है जो मुजाहिदीन ने उड़ाया है। ओह, तो इसको हम थोड़ा देखते हैं और आपको दिखाते हैं। यार 1, 2, 5, 10 नहीं है, 100 से भी ज़्यादा, पूरी लाइन बना रखी इधर, ऐसे ऐसे लाइन रखी हुई है। तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं, इसको शुरू करते हैं यहाँ से, ये इस तरफ से पूरा। वैसे तो आपको गजनी के आसपास जब घूमोगे बहुत सारी जगह ऐसे ही टैंक फेंके होते हैं। ऐसा नहीं है, काबुल में भी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये कर रहे हैं, इधर से लड़कियां जा रही है इसलिए वो सब किया है, मैं देख रहा था। तो ये मामला है, अभी हम चल के आपको दिखाते हैं ये टैंक, देखो भाई, तगड़ी तगड़ी गाड़ियां, जिधर भी जितनी भी तबाह सबको इधर ला के रख दिया है। देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ चलते हुए, अगर पॉसिबल है तो मैं उसके पास भी जाने की कोशिश करूँगा। ये इधर शायद एक है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये पीछे ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लड़कियाँ ही पढ़ने आ रही। चलते हैं, हम आपको पास में से दिखाते हैं। यार कितने टैंक है, ये अमेरिकन है, ये BMP है, यानी कि इसके अंदर बैठ के जाते होंगे और गन भी होती थी इसके ऊपर। अच्छा, इसके अंदर चल के देखते हैं, जला हुआ और
पूरा तबाह हुआ एक गाड़ी है जिसको कहते हैं एक लोहे का बख्तरबंद गाड़ी, ये देख लीजिए। ओह आदमी ठीक है, मैं तो घबरा गया यार, इसके अंदर एक आदमी। हाँ हाँ ठीक है, ओके ले लो, ठीक है मैं अंदर इसके अंदर से चलते हैं। देखो ओ भाई साहब इधर है ना, ये सब अब लोगों के लिए एक बैठने की जगह भर की, सुख के बैठ जाते हैं और अंदर वो कुछ स्मोक करते हैं। अभी देखा एक बंदा, मैं अंदर गया और अचानक से हुफ किया, मैं बोला ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड। खतरनाक चीज़ें यार, इसको दिखाते हैं, इसका टायर जला हुआ। और ये अमेरिकन है, ये अमेरिकन, देखो इसके नाम लिखा हुआ है, ये टायर हैं एक्सल, और ये इसकी चैन है देख लीजिए। ये दूसरी गाड़ियों को खींचने के लिए इसके अंदर देखो रॉड दिख रही है, वायर ऐसे होता था, काफ़ी मजबूत है यार इसके अंदर, इसके ऊपर चढ़ने में उसका इंजन वहाँ लगा है देखो पीछे, और भी ऐसे वो इसके ऊपर तो और बड़ी सी। आगे चलते हैं, पूरा लाइन आपको दिखाते हैं, 100 of 100 टैंक दिखाते हैं आपको। टैंक के अंदर है वो लोग, कैसे लोग हैं, नशा करने वाले लोग हैं, जो कहीं भी रहते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, ना कोई घर होता है, कोई चीज़ नहीं उसका। और ये सामने उसको घर वाले उससे इजाज़त नहीं देते, तो ये जो टैंक दिख रहा है ना ये वाला, इसके अंदर वो भाई है। आगे चलते हैं, ये पूरा लाइन है देखो वहाँ तक, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो भाई कैसे आपको टैंक दिख रहे हैं यार, रशियन ज़्यादा है, अमेरिकन इतने नहीं, सब रशियन है, क्योंकि यहाँ ही एक गजनी के पास में एक अड्डा था और उसी अड्डे के अंदर सारे जितने टैंक और गाड़ियाँ थी सबको सब तबाह कर दिया उन लोगों ने, तो वही सब दिख रहे हैं आपको यहाँ। कंटिन्यू चल रहे हैं, कंटिन्यू आपको यही टैंक दिखेंगे, ऐसे के ऐसे दिखेंगे आपको, कितने सारे यार इधर रखे, मतलब इनकी जीत की निशानी है कि हम लोग जीते थे इसे। देखो भाई कैसी कैसी गाड़ी उसमें यार, कितने सारे हैं, सबका जो ऊपर का बॉडी का ढांचा है वो ला के रखा, ये एक बड़ी उसको दिखाता हूँ आपको। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो सामने वाली दीवार पे, आप देखिए लड़कियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो कॉलेज जाती है, उनको भी अभी अनुमति है, लेकिन नए लोगों को पढ़ने की अनुमति नहीं है, 6th class तक ही है। और सामने की तरफ देखोगे तो आपको और लड़कियाँ दिखेगी, ये देखो जो पढ़ने के लिए आ रही है ऑलरेडी जा रही है। सबसे मैं आपको दिखा दूँ, ये तो है गेट, इस गेट के बाद यहाँ पे आप देखो गाड़ियाँ जो दिख रहे हैं बख्तरबंद गाड़ी जो तबाह हो चुकी है पूरी, देखो लाइन टू लाइन है। और जो सामने वाला जो गेट दिख रहा है वहां तक आपको ये टैंक दिखेंगे, 100 of 100 टैंक है। तो अभी मैं यहाँ पे जो टैंक दिखा रहा था और ये सामने जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके ठीक बगल में खड़ा था, ये भाई साहब मिले, ये यहाँ पे पढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा इनको कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अतर मोहम्मद। अतर मोहम्मद, यू स्टडी हियर? आई स्टडी विद सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट नर्सिंग। गजनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। फ्लैग है जो इन्होंने दीवार पे पेंटिंग करा है। और उसी टैंकों के सामने इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दीवार पे ये का फ्लैग है जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज नेम, अफगानिस्तान इस्लामी अमारात, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, मतलब जो अभी इनका झंडा है वही नाम है, तो ये झंडे पे भी यही नाम लिखते हैं।
और ये गजनी ऐसा टूरिस्ट टूरिज्म ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये है। और बाकी सामने टैंकों की कतार लगी हुई है। सो ही टैंक मीन्स ही इज विन वॉर अगेंस्ट रशिया एंड यूएस, यू नो दिस सिंबॉलिक। Yeah, they made this road and they put the tanks over here. Yeah. For example, like we are like celebrating and symbolic. They made this street just exactly for that, that they put the tanks over. Yes, proud of Afghani people. Proud of Afghani. Yeah. So ये इधर का बातचीत। I understand. जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जो पुराने जो स्टूडेंट पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में उनको सबको पढ़ने की इजाज़त है, और नए है वो सिक्स क्लास तक ही पढ़ सकते हैं, लड़कियाँ उसके आगे नहीं पढ़ सकती। ऐसा अभी सिस्टम है। मे बी इन फ्यूचर चेंज हिज प्लान एंड मे बी यस ही एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट टू स्टडी स्टडी ये देखो अफगानिस्तान के मोटियार जो अभी देखो क्या कर रहे हैं, इसको हिला रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश करें। अभी के इतने छोटे बच्चे भी इस तरह से जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो आगे चल के ये भी जो है इस देश के लिए फाइटर या कह सकते हैं कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं टेक्निकल। इसकी वजह से उनको सीखने को तो मिल ही जाता है, ये बात 100% है। और ये जो लाइट के पिलर है इस पर देखो पुराना अफगानिस्तान का झंडा है, वह जो दीवारों पर पेंटिंग उकेरते हैं शायद, तो इसलिए थोड़ा कलर से हैं। 500 rupees क्यूब, yeah, 500 इस पेंटिंग इच मीटर्स इस मीटर इट्स या इट्स ओके मीटर। सो पेमेंट गिव यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट भाई साहब, देखो भाई जैसा चाहे वैसी पिक्चर बना सकते हैं, अगर आपकी फ़ोटो दोगे तो आपकी जैसी पिक्चर भी बना सकते हैं। तो ये है इनका काम, ये दीवारों पे देखो इतना शानदार पिक्चर बनाया इन्होंने। ओके ब्रदर, थैंक यू। दोस्तों अभी हम लोग हैं गजनी में, और गजनी से कांधार जाने के लिए आपको बस टर्मिनल पे आना पड़ता है। बस टर्मिनल मतलब जैसे अपने वहाँ जो बस टर्मिनल बस में जाने के लिए ऑफिसें बनी होती है ना, बस बुकिंग ऑफिस, वैसे यहाँ पे भी ऑफिसें बनी हुई हैं जो शहर से बाहर है क्या? हाँ शहर से बाहर है, 2 किलोमीटर शहर से, 2 किलोमीटर बाहर है। अब हम किसी को पूछें बस टर्मिनल कहाँ है तो लोग इधर बताएंगे। हाँ। प्राइवेट बसें चलती, गवर्नमेंट बस नहीं है। हाँ ये गवर्नमेंट नहीं है, जस्ट प्राइवेट है। प्राइवेट है, तो यहाँ पे बसों के जो ऑफिस है मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे ये लोग बैठे हैं बुकिंग करने वाले, इधर भी ऑफिस है, काफ़ी सारी ऑफिस हैं। और यहाँ पे जो बसें चलती है वो सब मर्सिडीज है यार, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बसें आपको देखने को मिलती है ना। बसें काफ़ी महंगी महंगी बसें, 580 का नाम है, 404 है। अच्छा अच्छा, और स्लीपर बस नहीं है, सब सीटिंग बस है। हाँ स्लीपर नहीं है, नहीं, एक भी अफगानिस्तान पूरे में कहीं भी जाना हो आपको सीटिंग बस ही मिलेगी, स्लीपर नहीं मिलेगी। तो ये इधर का सिस्टम है, मैं आपको दिखाऊंगा, बस भी दिखाऊंगा आगे चल के। तो फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ बुकिंग ऑफिस पे, और यहाँ पे मैंने टिकट का पूछा है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत है। तो इनको उर्दू भी आती है और थोड़ा थोड़ा ठीक बात है। और ये उम्र दराज है, आपकी उम्र कितनी है? 50 से थोड़ी ज्यादा होगी मेरे को लग रहा है। और ये बुकिंग एजेंसी चलाते हैं इधर गजनी में, गजनी बस आती है काबुल से और इधर से पैसेंजर लेके कंधार जाएगी। तो शाम को 8:30 इधर आने का होता है और सुबह में 5 उधर पहुंच जाता है। वैसे तो टिकट का 900 टिकट है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा डिस्काउंट दिया, 850 में कर रहे हैं। सो शुक्रिया आपका, ठीक है जी, ठीक है। और अभी हम एक सुपर स्टोर में, और यहाँ पे देखो भाई चॉकलेट मिल रही है दुनिया भर की, और अलग अलग किस्म की चॉकलेट है, ये सब चॉकलेट हैं, नमकीन भी हैं इधर, और कुछ जो घर में काम में आने वाली चीज़ें हैं, दूध हैं। और ये चीज़ें देखो, ये एनर्जी ड्रिंक यहाँ पे हर जगह पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक तो चालू ही रहता है।
आर यू? आई एम गुड. यू लुक लाइक रीडर. सो अभी हम लोग आगे हैं जंगल में, गजनी से थोड़ा दूर, काफी दूर एक जंगल है और पूरा इधर खेती बाड़ी कर रखा है. खेत में आ गए, हाईवे से दूर थोड़ा, और इधर बहुत पानी चलता है भाई. देखो जंगलों में पानी यहाँ फुल फ्लैश है. ये अफगानिस्तान के खेत हैं यार, विलेज कह सकते हैं. हम इधर बैठेंगे इनके बीच में और हमारा ब्रदर चल रहा आगे. और व्हाट इज ब्रदर, इज दिस दिस ट्री नेम फ्रूट, एनी फ्रूट? नो 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 नो, नीडेड जस्ट फॉर मेकिंग सम. इधर पहाड़ है. हाँ भाई मजेदार है, पहली बार किसी खेत में आया हूँ, अच्छा लग रहा है. बच्चे जा रहे हैं जंगल में कुछ लेने के लिए और भाई बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है मुझे. ये देखो हाथ ठंडे हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पहाड़ है ना और पूरे पेड़ हैं और पूरा मौसम है बिल्कुल ठंडा है यहाँ पे, तो काफ़ी खूबसूरत है. और पीछे पहाड़ है उसमें गुफा. ये देखो भाई एक दरिया है, नदी है जो बहुत ठंडा पानी है, लोग इसी को क्रॉस करते हैं. अभी भी जो बच्चे जा रहे हैं इस पानी को क्रॉस कर लिया. और उधर पीछे पहाड़ है, देखो वो गुफा है क्या ऊपर? वो देखो ऊपर गुफा जैसा कुछ बना हुआ है, वहाँ पे बैठ के लोग चाय पीते. देखो कितने लकी है यार उधर बैठने का और चाय पीने का. पूरा दिन वहीं बैठेंगे, एंजॉय करेंगे. ये इनका एंजॉय करने का तरीका है. हमारे वाले कुछ और पीते हैं, ये चाय पीते हैं. चाय पी पी के अपने दिन को एंजॉय करते हैं. और नदी देखो कितनी ज़्यादा पानी चल रहा है. और पहले के ज़माने में कुछ साल पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डैम है वो टूट गया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड जैसा आ गया था. और ये देखो कुछ बकरियाँ हैं इधर की, बकरियाँ इसकी यहाँ की अलग है यार. देखते हैं वो भाग रहे हैं शायद, हमसे डरते हैं. इधर खेती बाड़ी कर रहे हैं. ये सेब के, ये भी सेब है ना, ये भी सेब सेब, ये भी सेब है और सेब के बगान है. और इधर जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उनसे मिले, वो बोले चाय पिलाते आपको, तो वो भी भाई देखो घर जा रहे हैं चाय लेने के लिए. ये देखो ये जा रहे हैं अपने घर से चाय लेके आएंगे. और इनकी ये इनकी भेड़ है ना, वो इनकी भेड़ है, उनके पीछे जा रही है, दिख रहा है, उनको फॉलो कर रही है. इनके यहाँ बाढ़ आती रहती है भाई, तो इनके लिए मुश्किल तो है लेकिन ठीक है.